श्री गंगानगर के जवाहर नगर थाना अधिकारी द्वारा सदर थाने में दर्ज NDPS एक्ट के एक मामले में कानपुर के कारोबारी को गिरफ्तारी का डर दिखाकर 25 लाख रुपए की घूस मांगने का मामला सामने आया है। मंगलवार को जोधपुर ACB टीम ने जयपुर में जवाहर नगर के कांस्टेबल नरेश मीणा निवासी करौली को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। कार्यवाही की भनक लगते ही SHO राजेश सियाग ACB टीम के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। जयपुर के होटल रेडिसन ब्लू में हुई ये कार्यवाही इस साल की सबसे बड़ी ट्रैप कार्यवाही मानी जा रही है। आरोपी SHO और उसका गिरोह परिवादी से 16 लाख रुपए पहले ही वसूल कर चुका था। कांस्टेबल घूस लेने के लिए 3 बार कानपुर भी जा चुका था। जब परिवादी के दिल्ली में होने का पता चला तो वह दिल्ली भी जा पहुँचा। 18 सितंबर को कांस्टेबल नरेश चंद ने कानपुर जाकर परिवादी से 15 लाख रुपए लिए और कहा कि 2.5 लाख खुद के, 2.5 लाख ASI सोहनलाल के और 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर राजेश सियाग को देने हैं। दूसरी किस्त लेने के लिए 25 सितंबर को नरेश फिर परिवादी के घर पहुंचा। थाना अधिकारी के संतुष्ट नहीं होने की कहकर 25 लाख रुपए और मांगे गए और 1 लाख रुपए साथ भी ले आया। वहीं गिरफ्तार आरोपी कांस्टेबल नरेश मीणा ने तीसरी किस्त 22 अक्टूबर को ली और परिवादी से दिल्ली में संपर्क किया जब वह कोरोना का इलाज करा रहा था और उसी से फ्लाइट की टिकट बुक कराई और पहुंच गया दिल्ली में रिश्वत लेने के लिए। जब भी परिवादी से रिश्वत मांगी जाती थी तो व्हाट्सएप पर कॉल किया जाता था। उसने 2 मोबाइल में 3-4 SIM लगाए हुए थे और बार बार IP एड्रेस भी बदलता रहा। ACB के DG BL सोनी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कानपुर के दवा कारोबारी हरदीप सिंह ने 14 अक्टूबर को जोधपुर ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। ADG ACB दिनेश MN के अनुसार परिवादी ने बताया कि गंगानगर के सदर थाने में दर्ज केस में फंसाने की धमकी देकर थाना अधिकारी राजेश रिश्वत मांग रहा है। कांस्टेबल और ASI कानपुर भी रिश्वत लेने आ चुके हैं। राजस्थान की ACB द्वारा आज गंगानगर जिले के एक कांस्टेबल को जो जवाहर नगर थाने में तैनात है उसको 10 लाख रुपए की रिश्वत के साथ जयपुर के एक होटल में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर का एक फार्मा व्यवसायी है जिसने जोधपुर के DIG श्री विष्णुकांत DIG ACB से संपर्क किया था कि उनको NDPS एक्ट के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे करके, और उनके वहाँ कानपुर में गंगानगर पुलिस से कुछ पुलिसकर्मी आए थे, उन्होंने कुछ धनराशि ले ली, उसके बाद और उनसे संपर्क किया और पैसे देने के लिए कहा। तब उस फरियादी ने हमारे DIG श्री विष्णुकांत से संपर्क किया, उन्होंने सत्यापन करने के बाद एक टीम जयपुर में भेजी जोधपुर से,